हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड, इस अडेनियम प्लांट के ऊपर है। आप देख सकते हो मेरे पास दो अडेनियम के प्लांट है फ्रेंड। और एक प्लांट को समझने के लिए एक हो या दो हो, अगर आप उसको कुछ सालों से रखते हो तो आप उसके बारे में समझ जाओगे। तो मेरे पास सिर्फ ये दो प्लांट ही है, लेकिन मैंने जिस हद तक इस प्लांट को समझा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो मेरे दोनों प्लांट है फ्रेंड, करीब ये वाला प्लांट जो है मेरे पास 2 साल से है और ये प्लांट मेरे पास करीब 1 साल से शायद होगा। आप देख सकते हो जो 2 साल पुराना प्लांट है फ्रेंड, ये ढेर सारे ब्रांच भी नीचे से निकाल रहा है और इस प्लांट की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। 10 दिन पहले मैंने इस प्लांट में एक खाद को डाला था, यानी 2 खाद को मिला के डाला था, जिससे मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस तरीके से मिल रही है और मेरा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रहा है फ्रेंड। और मैंने इस प्लांट में अभी तक कुछ दिया नहीं है फ्रेंड, ये पुराना प्लांट है तो पहले से ही इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही थी और बीच में मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे रही थी फ्रेंड। लेकिन इसको जो मैंने 10 दिन पहले जो खाद दिया है उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये प्लांट जो होता है एक कोडेक्स वाला प्लांट होता है, आप देख सकते हो इसके नीचे इस तरीके से कोडेक्स आते हैं, इसके बनते हैं, बहुत मोटा बनता है। जितना प्लांट पुराना होता है और भी सुंदर लगने लगता है। और इसकी जो प्लांट की पॉट की जो गहराई रहती है, अगर हम उसको बहुत कम देते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बॉन्साई लुक देता है। अगर आप इस तरीके के पॉट में रखना चाहते हो या फिर सिर्फ मिट्टी वाले पॉट्स में रखना चाहते हो या प्लास्टिक वाले पॉट में, किसी भी पॉट में अच्छे से चलेगा। ये जो अडेनियम का प्लांट होता है फ्रेंड, ये बहुत ही कम देखभाल में चलता है और ढेर सारे इसके कलर आते हैं, इसके बहुत सारे कलर आते हैं फ्रेंड। अगर आप ढेर सारे कलर के इसके कलर रखते हो तो आपको फूलों की कमी महसूस नहीं होगी, और बहुत ही कम देखभाल में चलता है तो आप बहुत आसानी से इसके ढेरों प्लांट को ग्रो कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, लेकिन अगर जब इसमें फ्लावरिंग इस तरीके से होती है फ्रेंड, अगर कलियां भी इस तरीके से बनती है, तो आपको थोड़ा बहुत पानी का ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका फूल खिलेगा। अगर आप इसमें यानी कि इसकी फ्लावरिंग के टाइम पे अगर पानी की थोड़ी बहुत कमी करते हो, अंडर वाटरिंग कर देते हो, तो इसके फूल सूख के मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। तो आपको पानी का थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा जब प्लांट ये फ्लावरिंग में रहता है तब। और बाकी टाइम पर अगर ये फ्लावरिंग में नहीं रहता है तब भी आप इसको बहुत कम पानी देते हो तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और जहाँ तक इसकी मैं मिट्टी की बात करूँ फ्रेंड, मैं हमेशा जो मिट्टी बनाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ उसी मिट्टी में मैंने ये लगाया है। और मैंने इसको करीब ये 10 दिन पहले इस प्लांट में जो खाद को डाला था फ्रेंड, जिससे मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग, इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है, वो खाद यहाँ पे, ये 2 खाद को मैंने मिला के डाला था फ्रेंड। ये तो पहले वाला, ये वाला कलर है जो ग्रे कलर का, ये वुड ऐश है यानी लकड़ियों की राख। और ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो होता है पहले हमें पहचानना पड़ेगा फ्रेंड, वो अच्छा वाला वर्मी कंपोस्ट है या कैसा है, क्योंकि कई बार वर्मी कंपोस्ट थोड़े ख़राब से आ जाते हैं अगर जहाँ पर हम ऑनलाइन पर लेते हैं तो। लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट को आप चेक करोगे कि वो कैसा है, अच्छा है या नहीं है, तो पहले आप इस तरीके से देख ले। वर्मी कंपोस्ट तो इस तरीके से ब्लैक रहेगा और इसमें मॉइस्चर बरकरार रहेगा। जैसे कि मैंने ये वाला लिया था फ्रेंड वर्मी कंपोस्ट, आप देख सकते हो मैंने ऑनलाइन से मंगाया था और मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है। तो इसमें कितना ज़्यादा मॉइस्चर है इस वर्मी कंपोस्ट में, आप देख सकते हो। मैंने बहुत दिन पहले इसको ओपन किया था, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा नमी है इस कंपोस्ट में। तो ये बहुत ही अच्छा खाद है फ्रेंड, बहुत यानी शक्तिशाली खाद है। इसके डालने पर मुझे मेरे पौधों में इस तरीके से फ्लावरिंग मिली है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं डालना था उस प्लांट में, लेकिन फिर भी मैं इस प्लांट में इसका आधा डाल दूँगी। तो अगर आपके पौधों को आपको अच्छे से ग्रोथ में लाना है, अडेनियम में आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो आप इस खाद को ज़रूर यूज़ करें। और मैंने सुबह के टाइम पे यानी कि पानी दिया हुआ था फ्रेंड अडेनियम को, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देने वाली हूँ, थोड़ा सा दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी मिट्टी एकदम से गीली है। बस इस तरीके से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा बहुत पानी दे देना है, पानी नहीं देना था क्योंकि पानी पहले से डाला हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको पानी डाल के दिखा देती हूँ। इतना सा सिर्फ पानी आप दे देते हो और जिस तरीके से इसकी फ्लावरिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इस यहाँ पे जहाँ पे इसके फूलों की जगह है वहाँ पर पिंच कर दिया करें आप, करने पर ही ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी भी नहीं होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक भी नहीं होता है, बहुत ही कम देखभाल में बहुत अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग भी देता है, बहुत अच्छी ग्रोथ में भी जाता है। एक तरह का बहुत ही लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को जरूर लगाए, अभी सही समय है इस प्लांट को ग्रो करने का, तो आप जरूर लगाए। और वुड ऐश जो होता है फ्रेंड, वो हमारे पौधे की जड़ों में एक फंगिसाइड पाउडर का काम करता है, तो तभी हमारा पौधा, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस प्लांट की ग्रोथ की राज ये है कि मैंने वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया है और वुड ऐश का, तो इस चीज़ का आप भी जरूर यूज़ करें। और ये एकदम से ऑर्गेनिक है फ्रेंड, ऑर्गेनिक तरीके से फूल पाने की कोशिश करें। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।